अस्सलामुअलैकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब ठीक हैं? नाउ किड्स, टुडे और बुक इस किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर प्रेप क्लास। प्रेप क्लास की ये बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पर टुडे और टॉपिक इज़ हाउ मैनी लेफ्ट, यानी कितने बाकी बचे। पेज नंबर 37 पर भी हमने यही वाला वर्क किया था एंड पेज नंबर 38 पर भी हमारे पास यही वर्क किया कि हमने क्या करना है, हमने क्रॉस करना है। सो ये यूनिट नंबर जो है ये 10 है, लेसन नंबर मतलब 10 टेक अवे। और ये आज जो हमारा जो टॉपिक है ये है हाउ मैनी लेफ्ट, यानी कितने रह गए ऑन पेज नंबर 38। नाउ किड्स, ऑन पेज नंबर 38 देयर आर फोर कैट्स। हाउ मैनी? फोर, 1 2 3 4, फोर कैट्स। सो क्रॉस थ्री आउट ऑफ देम। अब इनमें से हमने क्या करना है, तीन को क्रॉस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक को क्रॉस करेंगे, देन सेकेंड को क्रॉस करेंगे, देन थर्ड को क्रॉस करेंगे। हमने कितनी क्रॉस की? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमने 1 2 3, तीन को हमने क्रॉस कर दिया। नाउ काउंट द रिमाइनिंग कैट। अब हमने क्या करना है, जो बच गई है कैट हमने उसे काउंट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास कितनी कैट्स बची हैं? ओनली वन बची है। सो राइट द आंसर इन द बॉक्स। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने कहा, क्या कहा था हमें, यहाँ पर हमारे पास चार जो थी वो कैट्स थी, यानी फोर कैट्स थी। फोर में से हमने क्या करना था, थ्री को क्रॉस करना था। जैसे मैंने यहाँ पर थ्री कैट्स को क्रॉस किया। सो क्रॉस करने के बाद अब हमारे पास कितनी कैट्स रह गई? सो हमारे पास एक कैट रह गई थी ना। सो राइट द आंसर इन द बॉक्स। सो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आंसर लिखना है। सो थ्री माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। अब कितनी बच गई? 1, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 और माइनस किया 3 को, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा। नाउ इन सेकंड देयर आर 3 कार्स। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्स हैं। कितनी कार्स हैं? 3 कार्स हैं। क्रॉस द 3 आउट ऑफ देम। और हमने क्या करना है, इन तीनों को क्रॉस कर देना है। नाउ काउंट द रिमाइनिंग कार। फिर हमने क्या करना है, जो बचेंगी कार हमने उनको क्या करना है, काउंट करना है। राइट द आंसर इन द बॉक्स। तो हमने क्या करना है, इस बॉक्स में फिर आंसर लिखना है। सो यहाँ पर क्या हमारे पास 3 कार्स हैं। हमने तीनों कार्स को क्या किया, काट दिया। क्रॉस 3 आउट ऑफ देम। हमने क्या करना है, तीनों को काटना है। सो हमने क्या किया, तीनों को काट दिया। नाउ काउंट द रिमाइनिंग कार। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर कितनी कार्स बची हैं? क्या यहाँ पर कोई और कार थी जिसको हमने काटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 4 कार्स थी और हम 3 कार्स थी और हमने क्या किया, हमने तीनों के तीनों कार्स को काट दिया। और काटने के बाद क्या यहाँ पर कोई चौथी कार है या कोई और कार्स आपको यहाँ पर कोई नजर आ रही है? नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कार जो है वो लेफ्ट में नहीं है। सो राइट द आंसर इन द बॉक्स। और अब हमने क्या करना है, हमने आंसर लिखना है यहाँ पर इसके अंदर। सो आंसर जो है हमारे पास क्या आया, हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आया। सो इट्स बीन 0, नथिंग मतलब 0, 0 मीन्स नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सो हमने इसलिए इस बॉक्स में क्या लिखा, हमने इस बॉक्स में लिखा 0। सो किड्स इसी तरह क्या करना है, आपने भी पेज नंबर 38 को इसी तरह वर्क करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 कैट्स थी, हमने क्या किया, हमने 3 कैट्स को क्रॉस किया। और कैट को क्रॉस करने के बाद जो रिमाइनिंग कैट थी वो हमने क्या किया, उसे हमने काउंट किया, देन हमने राइट किया आंसर इस बॉक्स में। सो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्स थी, 3 कार्स में से हमने क्या किया करना था, 3 कार्स को ही हमने क्रॉस करना था। तो जब 3 कार्स को ही हमने जब क्रॉस किया तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइनिंग कुछ नहीं था बचा, यानी यहाँ पर हमारे पास मजीद और कार नहीं थी जिसे हम काउंट करते और हम लोग क्या करते इस बॉक्स में लिखते। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था बचा। सो कुछ भी नहीं बचा। सो इट्स मीन 0, और 0 मीन नथिंग। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी कोई भी चीज का ना बचना 0 कहलाती है। सो किड्स हमने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट किया पेज नंबर 38 पर। सो बच्चों आपने भी इसी तरह पेज नंबर 38 पर इस वर्क को कंप्लीट करना है और अपनी बुक पर इस वर्क को डन करना है। सो किड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।